हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे HTML में लिस्ट के बारे में। हमारे पास HTML में तीन टाइप की लिस्ट होती है। उससे पहले आप देख लो लिस्ट होती कैसी है। लिस्ट आप देखिए कुछ ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पर कुछ ऐसी भी हो सकती है, जैसी मर्जी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी भी सिंपल लिस्ट भी हो सकती है, और हम डिज़ाइन देख लेते हैं। ये देखो कुछ ऐसी भी हो सकती है और कुछ ऐसी भी हो सकती है लिस्ट। HTML में लिस्ट होती है तीन टाइप की, ऑर्डर, अनऑर्डर एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो चलिए हम सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। ऑर्डर लिस्ट मतलब OL से हम इसको डिनोट करते हैं, OL ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट में जो भी आइटम्स होती हैं, यहाँ पर मान लो यहाँ पर देखिए प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ये सब इसको आइटम बोलते हैं लिस्ट की, तो वो आएगी हमारी LI टैग में। LI मतलब लिस्ट आइटम। यहाँ पर हम कलर लिख देते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। ये आ गई हमारी लिस्ट, इसको हम चार पांच लगा देते हैं। ये हमारी लिस्ट बन गई। अब यहाँ से पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है? यहाँ पर देखो 1 2 3 4 लिखा आ रहा है। यही फ़र्क होता है, ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 मतलब काउंटिंग होती है, अनऑर्डर लिस्ट में काउंटिंग नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास सिंबल आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो अलग है, वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट में आप कौन कौन सी काउंटिंग कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं 1 2 3 जहाँ पर लिखा है तो सिंपल बनाओ लिस्ट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको ABC में करना है, ABC में काउंटिंग होनी चाहिए, तो आपने सिर्फ और सिर्फ A टाइप कर देना है। तो यहाँ पर देखो ABC लिखा आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि स्मॉल ABC हो तो आपने स्मॉल A लिख देनी है। अगर आप चाहते हैं रोमन में आए तो आपने क्या करना, स्मॉल I ऐसे टाइप कर देना, तो आपकी यहाँ से रोमन में आ जाएगी काउंटिंग। अगर आप चाहते हैं कि हमें कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल लिखो, कैपिटल I, तो हमारे कैपिटल रोमन, ये देखो आ गया। उसके बाद आती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख दो U, UL हो गया। यहाँ से हम न्यू में बनाते हैं, इसको हम लिखेंगे UL टैग में अनऑर्डर्ड लिस्ट, बाकी सेम रहेगा। यही कॉपी पेस्ट करो लिस्ट आइटम, इसको करो रिफ्रेश। ये देखो हमारी बन गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन सी टाइप होती है? यहाँ पर देखो टाइप हम लिखेंगे, डिस्क होती है डिस्क, उसके बाद आता है हमारे पास स्केयर, डिस्क स्केयर, उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल, सर्कल, ये हो गया सर्कल। अगर आप चाहते हैं कोई यहाँ से हमें सिंबल वगैरह ना हो तो नन लिखो, इसको करो रिफ्रेश, कुछ भी नहीं आएगा। थर्ड है हमारी, यहाँ से लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। किसी चीज़ का आपने टाइटल लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा बताना होता है, तो यहाँ पर हम लगाते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसको हम बोलते हैं DL। DL टैग में हमारे पास सबसे पहले होता है यहाँ से टाइटल, DT टाइटल, टाइटल हो गया मेरा HTML। उसके बाद आता है DD मतलब उसका डाटा, हम लिख देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको करो रिफ्रेश। तो अब देखो ये आ गया हमारा कुछ ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको हम एक और बना देते हैं सेम, इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ये हो गई हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बस ये थी हमारी आज की तीन लिस्ट। मिल